सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हो चुकी है एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग, चलते चलते किसी नई जगह पे, चलते चलते तो देखते हैं कहाँ तक चलना हो रहा है अपना। और ये एक नई लोकेशन है और मुझे आज हस्बैंड की ड्यूटी मिली है, तो जो हस्बैंड की ड्यूटी है वो आज मुझे निभानी है। उनकी ड्यूटी को आज मैं पूरा करूंगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या उनकी ड्यूटी थी, है और क्या वो करते हैं, और मुझे क्या करने के लिए मिला है काम, वो मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, अभी मैं जिस रास्ते से निकलने वाली हूँ ना, इतना कंजेस्टेड रास्ता है कि उसमें से सिर्फ एक बाइक निकल सकती है। अगर एक बाइक आ गई ना तो उसमें से कोई बंदा पैदल नहीं जा सकता। बाइक आ चुकी है और मैं जा रही हूँ, पता नहीं निकल पाऊँगी या नहीं। देखिए पीछे दिख रहा होगा ना कितना पतला रास्ता है ये, कितना पतला, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। सिर्फ एक बाइक ही एक बार में निकल सकती है, इसलिए जब भी कोई बाइक निकलता है ना, इधर से भी हॉर्न, उधर से भी हॉर्न, दोनों तरफ से हॉर्न बजता है। और मैं पहुँचने वाली हूँ अपने पॉइंट पर। सोचा भाई बाहर निकलते हैं तभी हम ब्लॉग शूट कर पाते हैं, तो सोचा कि आपसे बात कर ली जाए, छोटा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो पहुंचने वाली हूँ वैसे मैं अपने टारगेट पे, जो भी मेरा टारगेट है वहाँ पहुंचने वाली हूँ मैं, देख सकते हैं। अरे भाई, और पता है मैं ना पैदल चलते चलते थक चुकी हूँ, काफ़ी दूर से पैदल चल के आ रही हूँ। बस मेरी मंजिल आ चुकी है, करीब पहुँचने वाली हूँ अपनी मंजिल के पास। जैसा कि पता है क्या ड्यूटी दी गई है वो मैं बताती हूँ आपको जल्दी से पहुँच के। बस आज जो मुझे ड्यूटी मिली है, हस्बैंड की जो ड्यूटी मिली है वो ये मिली है कि बेटे को स्कूल से लेके आना है, क्योंकि हस्बैंड हैं बिज़ी, और बिज़ी हैं बहुत, इमरजेंसी में हैं हस्बैंड इस समय, तो इसलिए बेटे को लेके आना है मुझे। और मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल और स्कूल में हो चुकी है छुट्टी। सारे बच्चे जा चुके हैं यार, मैं कितना लेट हो गई, सबके सब जा चुके, स्कूल पहुँच चुकी हूँ बहुत करीब स्कूल के, स्कूल में एंट्री करने वाली हूँ बस। छुट्टी हो गई मैम? यस पोस्टवाल, यस पोस्टवाल, पीछे स्कूल, और बेटा भी ले लिया मैंने, छुट्टी हो चुकी थी पता है। और मैंने थोड़ा सा धीमे धीमे आ रही थी और बीच में रुक भी गई थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। छुट्टी हो चुकी थी, बेटे को ले लिया, अब फिर पैदल रास्ता हमको चलना है। ठीक है, लाओ बैग में पकड़ो, लाओ, तुम्हारा तो बैग भी बहुत भारी है, एक साइड हो, एक साइड हो जाओ। और पता है मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, मैं हमेशा अपनी स्कूटी से चलती हूँ, लेकिन आज पैदल करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। ऊपर से इसका बैग इतना भारी है, खुद तो है छोटा सा, ये देखो कितना छोटा सा है और बैग इतना भारी, डबल। फाइनली अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं बेटे को लेके, हेलो कर दे। पता है पहले पैदल चलना पड़ता है, फिर ऑटो करना पड़ता है, फिर हम घर पहुंचते हैं। तो फाइनली ऑटो में, बहुत ज़्यादा पैदल चलने के बाद ना ऑटो में बैठ चुके हैं हम, और अब पहुंचने वाले हैं घर। ड्यूटी पूरी अपनी, मतलब ड्यूटी जब घर पहुंच जाऊंगी तब ड्यूटी पूरी होगी, अभी ड्यूटी पूरी नहीं हुई। आइए देखो कितना शांत बैठा है, कैसा लग रहा है ऑटो से? रोजाना आता था ये स्कूटी से, आज आ रहा है ऑटो से, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। आज इसको भी थका दिया, पैदल चला दिया इसको आज, लेकिन इसका बैग मैंने पकड़ा था, है ना, बैग मैंने पकड़ा था, बस पैदल चल के आया। आ चुका है हमारा स्टॉपेज, आ जा बेटा आराम से,
अभी उतार रही हूँ बेटा, मुझे एक साइड होकर चलना, ठीक है। हम लोग उतर चुके हैं ऑटो से और अब अपने घर का रास्ता, मतलब अभी भी हमें पैदल चलना है, तो सोच सकते हो कि इसका स्कूल कितनी दूर है भाई, बहुत दूर है इसका स्कूल। चलिए लाओ बेटा बैग, मैं पकड़ूँ, लाओ मैं भी बन गई स्टूडेंट, बन गई, जल्दी जल्दी थक गई यार, पता है मेरे पास और भी सामान है इसलिए और थक गई मैं। मेरी वीडियो बना रही हो? तुम्हारी ना बना रही, अम्मा मैं अपनी बना रही हूँ। हमारी अम्मा भी देखो कितनी मेहनती है। अम्मा आँखें ठीक है? वो कहाँ है आँखें ठीक, देख चल काम फिर भी इतना करती हो? शाम को ना देखता है, अच्छा शाम से देख रही, चश्मे से देखती हो, चश्मे से देख। अब कर क्या रही हो यहाँ पे? ये लकड़ी काटी, अब जा रही हूँ। अम्मा बुढ़ापे में इतना काम क्यों करती हो? कंडा कहाँ से लाऊँ हैं? कंडा कहाँ से लाऊँ मैं? अच्छा गाय नहीं है? ना ना गा भाई, रे थक गई मैं। आई है कहाँ से? आई हूँ बाजार से। बाजार नहीं, इसको लेने गई थी। अच्छा तो इसमें दाल की दुकान थी, एक दाल मिल रही थी वहाँ अच्छी। अच्छा तो दालें खरीदी हैं। अच्छा इसलिए मेरे पास डबल वजन हो रहा है अम्मा, बहुत वजन हो गया। हाँ वजन तो हो गया। ये अम्मा हमारी बहुत मेहनती हैं, देख सकते हो, दिन भर घर का काम करेंगी, फिर लकड़ियाँ काटने जाती हैं। बहुत काम करूँ। और फिर लकड़ियाँ काटने के बाद क्या करती हो अम्मा? उनसे ही रोटी बनाती हैं। बहू जी, अच्छा रोटी इनकी बहू बनाती है, छोटी सी अम्मा है और बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा। अब ढूंढ क्या रही हो? कुछ ना ढूंढ, दरांत हो गया, दरांत देख। अच्छा दरांत ढूंढ, हो गया इनका दरांत। अभी मेरा घर थोड़ी दूर आ रहा है, मतलब यहाँ से मुझे सामने से दिखने लगा है घर। थक हार के मैं घर पहुँच गई, बहुत ज़्यादा सामान था भाई, बहुत ज़्यादा सामान था। अरे मैडम चिल्लाएंगी सामान देख के, चिल्लाओ भौंको, बड़ी सीधी बन रही है, गेट खुल रहा है भाई। अरे बाप रे, जब से स्कूटी चलानी शुरू करी है ना, पैदल चलने की आदत नहीं रही, तो देखिए स्कूटी से मेरी आदत कितनी ख़राब हो गई है। देवी जी रास्ता छोड़ दो, कंधे पे भी वजन, हाथों में भी वजन, और ऊपर से ब्लॉगिंग, भाई साहब ओहो, अब ये जीने की चढ़ाई मार डालेगी। कितना बजा क्यों रहे हो बेटा इतना पैर? उफ्स, फाइनली ड्यूटी हो गई कंप्लीट, हस्बैंड की ड्यूटी कर दी मैंने कंप्लीट, पहुंच गई मैं अपने घर, बेटे को ले आई मैं स्कूल से, यही थी मेरी आज की ड्यूटी, जो हस्बैंड के बदले की ड्यूटी मुझे निभानी थी। अब इसके कपड़े चेंज करेगी कनक, ठीक है भाई, मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, पानी पी लेती हूँ, वरना मेरी सांसें ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देख सकते हो कितनी बहादुर हूँ मैं, इतना सा चलने में ही थक गई। चलिए फ्रेंड्स हैंड कर देती हूँ, ठीक है, और अगर ब्लॉग पसंद आ जाए तो भैया लाइक कर दो, लाइक 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 शेयर कर दो, और देख लिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो जी बाय बाय, टाटा गुड बाय।